दोस्तों, जो लोग फास्ट इंटरनेट स्पीड चाहते हैं वो आजकल ब्रॉडबैंड का यूज कर ही रहे हैं, और ऐसे में बहुत सारे लोग जो है ना नए कनेक्शन भी ले रहे हैं। तो ऐसे में उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि जियो फाइबर, एयरटेल, एक्सीटेल, BSNL, ये जो है ना चारों ऑपरेटर हैं, इनमें से किसका प्लान सबसे ज़्यादा सस्ता है, किस प्लान में सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, हमको कौन सा प्लान लेना चाहिए, इन सभी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि ये जो चार है ना वो सभी सर्कल में हमको सर्विस देते हैं। हालांकि जैसे टाटा स्काई, यू ब्रॉडबैंड, हैथवे जैसी जो सर्विस हैं वो कुछ ही सर्कल में देती हैं, तो इसलिए मैं हम इनके बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। सिर्फ हम जियो फाइबर, एयरटेल, एक्सटेल और BSNL भारत फाइबर के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, और पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जियो फाइबर की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्लान्स जो है ना जियो के ही रहते हैं, और यहाँ पर जियो फाइबर तेज़ी से सबके पास पहुँच रहा है। तो यहाँ पर जियो फाइबर का जो पहला प्लान निकल के आता है, ये सारे के सारे मंथली प्लान है, और मंथली प्लान के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जियो फाइबर का 399 यानी कि 399 रुपये का मंथली प्लान है, और इस प्लान में आपको जो है ना 30 Mbps की स्पीड मिल जाएगी, और इसके अलावा अनलिमिटेड कॉलिंग आपको इस प्लान में मिल जाएगी, और अनलिमिटेड इंटरनेट जो है ना डाटा आपको इस प्लान में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बात यह है कि इस प्लान में आपको OTT एप्लीकेशन जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, तमाम चीज़ें हैं, MX प्लेयर, इनका सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, लेकिन स्ट्रीमिंग के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा खासा डाटा आपको मिल जाता है, तो आप इस प्लान को ले सकते हैं, लेकिन OTT सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ पर अगले प्लान की। तो यहाँ पर निकल के आता है एयरटेल एक्स स्ट्रीम। तो ये प्लान जो है ना सस्ता प्लान है, और यहाँ पर 499 रुपये में आपको ये प्लान मिल जाता है, और यहाँ पर जो है ना 100 रुपये का अंतर है। और यहाँ पर आपको बता दूँ कि 40 Mbps की स्पीड मिलती है, जियो फाइबर में 30 Mbps मिली थी, यहाँ पर 40 Mbps की स्पीड मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर अनलिमिटेड इंटरनेट तो इस प्लान में मिल ही जाता है, और अनलिमिटेड कॉलिंग यहाँ पर मिल जाती है आपको। इसके अलावा यहाँ पर एयरटेल एक्सट्रीम, विंक म्यूजिक और शो अकेडमी का भी एक्सेस आपको इस प्लान में देखने को मिल जाता है, एयरटेल एक्स स्ट्रीम वाले फाइबर प्लान में, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर तीसरा ऑपरेटर जो निकल के आता है, वो निकल के आता है यहाँ पर BSNL। BSNL का प्लान जो है ना, BSNL भारत फाइबर जो है ना, उसका प्लान है 449 यानी कि 449 रुपये का, और यहाँ पर इस प्लान में आपको 30 Mbps की स्पीड देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर 3300 GB तक जो है ना डाटा मिलता है, ठीक है, इस प्लान में आपको, ये मंथली प्लान है। और यहाँ पर ये प्लान जो है ना फर्स्ट टाइम यूजर्स के लिए है खासकर, इसके बाद यूजर्स को इसी प्लान के लिए 599 यानी कि 600 रुपये देने पड़ेंगे। हालांकि जब आप फर्स्ट टाइम यूज कराएंगे, रिचार्ज कराएंगे, तो आपको 449 लगेंगे, उसके बाद आपको 599 रुपये देने पड़ेंगे इसी प्लान के लिए, इसी बेनिफिट के लिए। इसके अलावा यहाँ आपको बता दूँ कि ये प्लान जो है ना, अगर आप फिर 600 रुपये जब आप देंगे, तो आपको ऐसा नहीं कि उसमें आपको कुछ बेनिफिट्स भी ज़्यादा मिलेंगे, जैसे कि आपको 60 Mbps की स्पीड मिल जाएगी, इसके अलावा डाटा तो उतना आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपका डाटा ख़त्म भी हो जाता है, तब भी आपको 2 Mbps की स्पीड मिलती रहेगी, जो काम चलाऊ है। अब बात करते हैं एक्सीटेल का जो प्लान है, ब्रॉडबैंड प्लान है, वहाँ पर आपको 399 रुपये का एक प्लान देखने को मिल जाता है, सस्ता वाला। और इस प्लान में आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर 100 Mbps, 200 Mbps, 300 Mbps वाले स्पीड वाले प्लान भी मौजूद हैं। तो आपको यहाँ पर 399 रुपये में आपको 100 Mbps की स्पीड इस प्लान में देखने को मिलेगी। तो ये 399 वाला प्लान जो है ना, आप तभी रिचार्ज करा सकते हैं जब आप इकट्ठा 12 महीने का रिचार्ज कराएंगे तब, अन्यथा इसी बेनिफिट के लिए आपको 699 रुपये यानी कि 700 रुपये देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो 399 के हिसाब से 4788 रुपये पड़ता है, बिना GST के बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर 18% का GST जुड़ता है सभी प्लान्स में, तो आप देख सकते हैं। तो ये प्लान मुझे ज़्यादा अच्छा कुछ लगा नहीं है। अब बात करते हैं जियो का एक और प्लान यहाँ पर निकल के आता है, जियो फाइबर का 699 यानी कि 699 रुपये का। इस प्लान में आपको 100 Mbps की स्पीड मिलती है, और इसके अलावा अनलिमिटेड कॉलिंग मिल जाती है, इसके अलावा वॉइस कॉलिंग जो है ना वो मिल जाती है, इसके अलावा यहाँ पर अनलिमिटेड डाटा मिलता है, और यहाँ पर आपको 3300 GB तक डाटा मिलता है। इसके अलावा आपको शायद इस प्लान में OTT सब्सक्रिप्शन भी मिल जाता है,
तो ये प्लान थे। तो इसमें मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा प्लान जो लगा है वो लगा है यहाँ पर जियो फाइबर का 399 रुपये वाला, क्योंकि यहाँ पर कोई यहाँ पर छुपी हुई कुछ शर्तें नहीं है, टर्म्स और कंडीशंस कुछ ज़्यादा है नहीं, इजी है, आप ले सकते हैं। दूसरे नंबर पर मुझे एयरटेल एक्सट्रीम लगा है, दो ही प्लान यहाँ पर एयरटेल एक्सट्रीम का 499 रुपये का है, तो यहाँ पर मुझे दो ही प्लान अच्छे लगे हैं। ऐसे में आप मुझे कमेंट करके ये बताइए आपको इन प्लान्स में से कौन सा प्लान ज़्यादा पसंद आया, कमेंट करके हमको बताइए। इसके अलावा कोई इशू है तो आप हमको इंस्टाग्राम पर लिख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।